अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास बच्चों, आप लोग हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 69। हम लोग सल्तनत दिल्ली का जो सर निज़ाम हुकूमत है वो पढ़ रहे थे। सल्तनत दिल्ली का निज़ाम हुकूमत, इसमें हम लोगों ने उनका जो मरकज़ी निज़ाम था वो पढ़ा था, सूबाई निज़ाम पढ़ा था कि इसमें कैसे कैसे उन्होंने मनसूबे बनाए थे जिससे ये सारा सूबों का निज़ाम चलता था। आज हम लोग आगे देखेंगे कि आगे इसके अलावा इनके जो सूबाई निज़ाम था उसमें आगे क्या क्या होता था, हमने हाफ किया था। आज हम लोग पेज नंबर 69 करके ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। साहब बरीद सूबे में डाक और जसूसी के महकमे का सरबराह था। अब वो अपने सूबे की डाक प्यादों के ज़रिए मरकज़ को भिजवाता था। डाक पहले देहातों से परगनों से शकों और शकों से सूबाई दफ्तर पहुँचती थी। वो सूबे में पेश आने वाले अहम वाक़ात की खुफिया रिपोर्टें भी मरकज़ को भिजवाता था। ये इसका काम था साहब बरीद का कि वो डाक जो था वो जो हत वगैरह थे लेटर वो जसूस के महकमे का सरबराह था, मतलब जसूसी करता था कि इस में क्या क्या मामलात पेश हो रहे हैं, तो वो फिर डाक के ज़रिए जो थे पैगामात वो मरकज़ को भिजवाता था। और इसमें सबसे पहले जो डाक थी वो दहातों से परगनों से शकों और शकों से सूबाई दफ्तर पहुंच जाती थी। ये सारे इनके ऑफिस थे जिनमें पहले डाक जाती थी, देन ये तमाम जो उसने रिपोर्ट खुफिया तैयार की हुई थी वो मरकज़ को भेजता था डाक के थ्रू। आगे है सदर सूबा सूबे में मजमी अमूर का निगरान था। वो फौजदारी मुकदमात वज़ाइफ़ और औकाफ से मुतलका मुकदमात की समायत करता था, मतलब जो वज़ाइफ वगैरह होते थे और जो फ़ौज का सिस्टम था उनके सारे मुकदमात उनको हल करता था और उनके मुकदमे सुन के आगे अपना फ़ैसला सुनाता था। महसल क्या है? इसका काम किसानों से नकद या जिन्स की सूरत में टैक्सों की वसूली करना और उसे बैतुल माल में जमा करवाना था, मतलब ये जो फार्मर्स वगैरह है ये जो किसान फसलें उगाते थे उनसे टैक्स लेके जो एक सूबे का मतलब बैतुल माल जो गवर्नमेंट का एक खजाना होता था उसमें ये सारे टैक्स वहाँ पर जमा करवाता था। शकदार क्या था? सूबे शकों में तकसीम थे, शक का सरबराह शकदार कहलाता था, मतलब सूबे डिफरेंट लोगों में तकसीम थे जिसकी वजह से जो एक उस पर फिर एक जो उसको उस पर बड़ा सरबराह होता है, जैसे हमारा स्कूल है, हम लोग सारे स्टाफ हैं, टीचर हैं, फिर हमारे ऊपर जो एक प्रिंसिपल हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल हैं, इस तरह इनके ऊपर भी ये सारे सूबों के एक तो थे, जैसे हम लोग आप लोग की क्लासेस के अलग अलग टीचर हैं, फिर उन टीचर्स पे एक होता था सरबराह है, प्रिंसिपल है, इसी तरह इन सूबों में भी एक एक सूबे का शक होता था। इसके बाद जो सरबराह था वो क्या कहलाता था? शकदार कहलाता था। चौधरी परगना सूद देहात परगना सूद देहात पर मुश्तमिल होता था जिसका सरबराह चौधरी कहलाता था। मुकद्दम क्या था? गांव का सरबराह मुकद्दम कहलाता था। ये जो दात है मतलब जो छोटे इलाके होते हैं उनका होता था चौधरी, जिसे नाम दिया गया है परगना सू, ठीक है, ये वहाँ पे सरबराह होता था जिसे चौधरी परगना सू का नाम दिया गया है। मुकद्दम हमने पढ़ लिया। कोतवाल अमन अमान काम रखता था, ये पुलिस का सरबराह होता था। सूबे में इंसाफ मुहैया करने के लिए काजी मुकर्रर होते थे। गांव की सतह पर फैसले पंचायत करती थी, ठीक है, ये अमन अमान को काम करता था, मतलब ये पुलिस का सरबराह होता था और जो भी इंसाफ का मामला या कोई भी प्रॉब्लम होता था ये उसे हल करता था। और ये जो गाँव के फैसले थे वो उनके लिए एक पंचायत बनाई थी बड़े बुज़ुर्ग लोगों की, जो अक्लमंद लोग होते थे उन्हें जमा करके उनकी पंचायत बनाई गई थी, गाँव के फैसले वो पंचायत करती थी। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, पीछे वाला आप लोगों ने कवर किया है, साथ साथ उसे लिखा भी है, उसे याद भी किया है। आज आप लोग साहब बरीद से लेकर एंड तक कोतवाल तक करेंगे, तो ये हमारा फाइव क्वेश्चन है, मतलब फोर क्वेश्चन है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आप लोग इसे अपनी नोटबुक्स पर लिखें और इसे याद